एवरीवन, दिस साइड रोहित राठौर एंड यू आर वाचिंग अपनी कक्षा फॉर कॉमर्स। तो यार आपका मोस्ट अवेटेड वीडियो आपका प्रोजेक्ट पे है जो कि बिजनेस स्टडीज के। तो आप बहुत सारे लोगों ने बोला था भैया हमको आपके बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट पे भी ओपिनियन चाहिए, आपके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, हमें बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट पे भी कुछ आपकी गाइडेंस चाहिए, आपका एक वीडियो चाहिए। तो यार सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के, जो प्रोजेक्ट में आपके दो टॉपिक्स होते हैं, पहला होता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। और सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं यार, इन दो टॉपिक्स में से आपको सबसे इजी जो पढ़ने वाला है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। कंपैरिजन की बात हो तो यार आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इजी होता है इन कंपैरिजन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना। क्यों? क्योंकि अगर आप 14 प्रिंसिपल्स का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप बोलो उसे लेना होता है और उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसमें वो 14 प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो कौन कौन से नहीं हो रहे, बस ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है। अगर वहीं पर अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट ले लेते हो उसमें आपको खुद का अपना एक ब्रांड बिल्ड करना होता है, उसकी लेबलिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, सब कुछ आपको करना होता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। पर हाँ, अगर आप एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अगर आप फ्यूचर में अपना कोई प्रोडक्ट या ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। अगर 12th बोर्ड्स को देखें तो यार यहाँ मार्क्स ज्यादा मैटर करते हैं। तो यार मेरा जो अपना खुद का पर्सनली मैंने जो अपने 12th में बनाया था प्रोजेक्ट, वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का था, जो कि बिग बाजार के ऊपर था। मैं टॉपिक खुद से लेना था, मैंने बिग बाजार लिया था पर्सनली और बोला गया था कि आपको बिग बाजार विजिट करना है, वहाँ के मैनेजर से बात करनी है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने जो भी लिया था सिर्फ इंटरनेट की हेल्प से किया था, बाकी मैं कहीं विजिट नहीं किया था। सिर्फ मैंने उसमें मेंशन किया था कि हाँ कि मैंने विजिट करी थी ब्रांच में, लोकल ब्रांच पे मैंने विजिट किया था, मैनेजर से बात की, ये सब मैंने मेंशन किया था। बाकी क्योंकि यार उन लोगों को नहीं पता होता, बाकी अगर आप चाहो तो हो सके पॉसिबल तो आप जाके विजिट करें। मैं अपने यार हॉस्टल्स में था तो मेरे लिए ये सब पॉसिबल नहीं था। आपको हो सके पॉसिबल तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं उसके मैनेजर से जाके मिले, ब्रांच मैनेजर से जाके मिले, इसको आपको तो कुछ एक्सपोजर मिलेगा, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो यार बात करते हैं आप कैसे 20 out of 20 इसमें स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यार 20 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। जब ये कंबाइन हो जाते हैं आपकी थ्योरी के साथ तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, आपके परसेंटेज में काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो मैंने ये कैसे किया था, सबसे पहले आपको एक सिंपल बनानी है, ना कि कुछ ज्यादा। कई लोग बच्चे क्या करते हैं, आप लोग फाइल को बहुत ज्यादा सजा देते हैं कुछ इस टाइप से, तो यार ना सजाए ज्यादा, क्योंकि यार आपको डेकोरेशन के मार्क्स नहीं होते, आपके कंटेंट के मार्क्स होते हैं, आपके जो भी कॉन्फिडेंस के मार्क्स होते हैं और आप कैसे आंसर कर रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल आ रहा है आपका बायवा लेने के लिए उसके सामने आप अपना कैसा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, कैसा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, आप सभी चीजें उनके ऊपर होती है। तो अगर आप ज्यादा डेकोरेट करोगे तो यार वो ऑड सा दिखने लग जाता है आपका प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ नहीं करना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, अपना सिर्फ सिंपल सी एक फाइल बनाई थी जो कि बाइंड करवा के उसमें सबसे पहली बात आपका जो फ्रंट पेज है और एक्नॉलेजमेंट और जो भी सर्टिफिकेट होता है ये प्रॉपर होने चाहिए, बिना मिस्टेक्स के, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स या कोई भी डेजिग्नेशन वगैरह टीचर्स की हो चाहे एक्सटर्नल की हो कोई भी, तो इनमें मिस्टेक्स ना करें। प्रॉपर इंडेक्स के साथ आपको विद कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी भी आपको लास्ट में रखनी है, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट बनाना होता है, अगर मैं प्रोजेक्ट के बहुत सारा मटेरियल आपको पूरा प्रोजेक्ट का पूरा मटेरियल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं पूरा। बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको कम से कम 5 से 8 टॉपिक्स में आपको दे दूंगा, आप उस पे से बना सकते हैं, बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। पर अगर एक्सटर्नल की बात करें तो यार एक्सटर्नल जैसा कोई मतलब होता नहीं है, ऐसी फॉर्मेलिटीज होती है आपको ही पता। अगर आप लोगों की बॉन्ड यार अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ अच्छी है तो वो काफी आपको मार्क्स बहुत बढ़िया दिलाएगा, क्योंकि यार एक्सटर्नल को नहीं पता होता, आपके जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं कई बार वो भी एक्सटर्नल बन के जाते हैं। उनका भी यार एक बात को ध्यान देखना, जब भी आप एक्सटर्नल आपको मार्क्स देता है तो हमेशा पेंसिल से देता है यार, वो सिर्फ मार्क्स देता है या सिर्फ टिक करता है ये हमें मुझे भी नहीं पता, ये डाउट है अभी तक। लेकिन जो मार्क्स होते हैं वो आपके जो सब्जेक्ट टीचर है वही देता है, साल भर का आपका जो भी एकेडमिक्स था उस टाइप से उसके हिसाब से आपको मार्क्स देता है, आपके किसी बॉन्ड है आपके सब्जेक्ट टीचर के साथ। तो यार आपको बॉन्ड बनाना बहुत ही जरूरी है यार सब्जेक्ट टीचर्स के साथ, ये इसी सब्जेक्ट में नहीं हर सब्जेक्ट में, चाहे अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो। बिजनेस स्टडीज में आप 20 out of 20 बहुत आसानी से यार स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये 20 मार्क्स बहुत ज्यादा आपके स्कोर कार्ड में वर्थ करते हैं। सबसे पहले आपको जिस टॉपिक्स पे भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है मटेरियल में प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा यार, अगर आपके पास टॉपिक सिलेक्शन की फ्रीडम है तो आप 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ जाइए, आपको ये बहुत ईजी पड़ेगा। आप बोले भैया हम 14 प्रिंसिपल्स याद नहीं रख पाते, तो यार शॉर्ट ट्रिक देखिए, पूरी शॉर्ट ट्रिक मैंने समझा रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है कैसे हम 14 प्रिंसिपल याद रख सकते हैं, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। ये हम करते हैं तो बहुत इजी पड़ता है आपको, अगर 14 प्रिंसिपल्स आप एग्जाम प्रोस्पेक्टिस से भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और इसमें आपको सिर्फ कंपनी के बारे में थोड़ी बैकग्राउंड, कंपनी कब स्टार्ट हुई है, कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई है, डिसेंट्रलाइजेशन, वो सारे 14 प्रिंसिपल इस पे फॉलो होते हैं नहीं होते हैं, कितना प्रॉफिट है, बस इससे ज्यादा कोई आपको कुछ आपको याद नहीं रखना। बस यही चीज़ आप अगर याद रखोगे और एक्सटर्नल के सामने कॉन्फिडेंस के साथ, एक्सटर्नल आपसे 4 सवाल पूछेगा, अगर उसमें से आपने 3 भी बता दिए नहीं तो आपके 20 out of 20
पक्के ज्यादातर आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर है उनके हाथ में होता है, तो उनके साथ अच्छी बॉन्ड रखी है। एक्सटर्नल सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए होता है हर स्कूल में। मैं अपने स्कूल में बता दूं, अगर मैंने मेरे स्कूल में भी अगर एक्सटर्नल आया था तो हाँ, मैं हम लोगों को ऐसा बोला जाता है कि नहीं सब कुछ एक्सटर्नल ही देगा, पर ऐसा नहीं होता है। या अपने सब्जेक्ट टीचर से अगर आपकी अच्छी बॉन्ड होगी तो कई बार आपने उन्होंने यह बताया भी होगा। हमारे सब्जेक्ट टीचर्स जो थे हमारे बहुत अच्छी बॉन्ड थे, तो उन लोगों ने हमें बताया भी था और मुझे 20 out of 20 स्कोर हुआ था। मैं यार भी प्रूफ बताऊंगा आप लोगों को, यहाँ स्कोर कार्ड में अपना डाल दूंगा 12th का, देख लेना आप, बाकी सब ब्लर कर दूंगा। सबसे बड़ी बात यार आपकी ड्रेसिंग सेंस पूरा बढ़िया होना चाहिए, पूरी स्कूल यूनिफॉर्म में जाएं आप विद कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। जितने आंसर आ रहे हैं अगर आप दे सको तो कुछ ना कुछ बोलना है आपको उससे रिलेटेड, ऐसा नहीं सर कुछ भी बोल रहे हैं, बस अगर आपसे अपना जो भी आपकी टर्न आती है उसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। इससे आपके 20 out of 20 स्कोर पक्का है। रिविजन कर लेते हैं, सबसे पहले आपको फाइल को ज्यादा डेकोरेट नहीं करना है, हो सके तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए जाएं। उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया रखें, अपनी यूनिफॉर्म जो भी है वो प्रॉपर रखें, और एक अपने सारे आंसर्स के क्वेश्चंस बिल्कुल दे, कोई भी आंसर्स का क्वेश्चन ये ना बोले कि मुझे नहीं आता। ये अगर 5 points अगर आप ध्यान रखते हो और एक 6 point अपनी सब्जेक्ट टीचर से बहुत अच्छी बॉन्ड, अगर इन 6 points को आप अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो यार आपके बिजनेस स्टडीज पे 20 out of 20 कोई नहीं रोक सकता। हो सके आपके अदर सब्जेक्ट्स पे भी अगर यही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो तो हो सकता है यार आपके उन सब्जेक्ट्स पे भी 20 out of 20 हो सके। मेरे बाकी जो प्रैक्टिकल्स है उनके मार्क्स भी 18-19 है, पर 20 नहीं थे। 20 मुझे सिर्फ बिजनेस स्टडीज और हिंदी का जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसमें भी मिले थे। सो यार मैं पूरा प्रीमियम कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूंगा, आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, आप उनके साथ जाएं, आप चाहें उसमें से आप कंटेंट ले सकते हैं, आप चाहें तो उससे आइडिया ले सकते हैं, अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी यार जो भी मैं प्रोजेक्ट का कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगा बहुत काफी प्रीमियम लेवल का है। आपको ये नहीं है कि बहुत सारा कंटेंट बनना है यार, कम से कम 60-70 पेज की बनानी है, ऐसा नहीं है। अगर आप 40 पेजेस की रखते हैं अच्छा कंटेंट, उसमें अगर कंटेंट आपका अच्छा, क्योंकि पूरा गो थ्रू नहीं करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल हो आपके एक एक पेज नहीं देखेगा, वो आपके या तो दो के शुरू स्टार्टिंग के 2 पेज या लास्ट के 2 पेज या बीच के रेंडमली देखता है, सारे पेजेस नहीं देखता ना कुछ पढ़ने वाला है वो। खुद से होनेस्ट है कि यार सारी चीजें अच्छे से करनी है, अपना कंटेंट बढ़िया से लिखना है, जो भी आपने फाइल में लिखा बस उसके गो थ्रू अगर आप हुए हैं तो आपको फाइल में से ही वो पूछा जाएगा। और हो सकता है यार एक दो आपके जो अगर आप 14 प्रिंसिपल्स पे बनाते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो चैप्टर उस पे से कुछ पूछ ले, कहाँ फॉलो होता है यार, ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, बस इससे ज्यादा आपसे एक्सटर्नल भी कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। यार अगर इस वीडियो से आपकी स्टडीज पे कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, आपके प्रोजेक्ट वर्क में कुछ हेल्प हुई हो, तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक करें। सो थैंक यू, सी यू ऑल, लव यू, बाय बाय।